do wish that the government or the people should look at the medical community's interest. देखो इतना तो चाहिए रेम्यूनरेशन, इतना चाहिए ताकि आदमी कंफर्टेबल लिव तो रहे, अपने बच्चों को पढ़ा तो ले, यही नहीं कि बच्चों को पढ़ाने में रहे। और मैं बता हॉस्पिटल आई एम वर्किंग वहां नेशनल बोर्ड के डिपार्टमेंट में, वन ऑफ द रेजिडेंट आई टोल्ड दी एडमिनिस्ट्रेशन की तनख्वाह तो बढ़ाओ, नहीं जी उसमें 85 पे हम उतना देते हैं, बढ़ाने में नुकसान है, अब बाकी हम इतना देते हो। वो बेचारा 30,000 लेके तो मकान लेता है, 60,000 में क्या काम करेगा, उसका बच्चा भी होगा, वन ऑफ द बॉय सेड आई एम स्टेइंग इन ए फ्लैट, नीचे शायद वो स्कूटर चलाता है, वो रहता है। आई मीन इट्स अ डिस्ग्रेस टू सोसाइटी एंड टू द कंट्री, आई मीन नॉट टू प्रोफेशन, कि हम नहीं ये मिल इतना कम मिल रहा है, हम इतना कर रहे हैं, आप इतना चूज कर रहे हो, आप उनको इस तरह ट्रीट ना करो। मेरा ये आई डोंट वांट टू मेक बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू पीपल, यू हैव कम, वी हैव टू फाइट, वी हैव टू फाइट, दुनिया में आए तो फाइट करना, फाइट करना। ये तो बिल्कुल जो कुछ करते हैं कर रहे हैं हम, फिर भी अपना काम वो पुराना करता रहेगा तो कुछ ना हमारा ध्यान रखेगा, बट हमें बट ये चीजें हैं कुछ, हम लोग बड़े एक कुछ इरेगुलर जैसे ना, अब थोड़ी चीजें पता नहीं क्यों सोसाइटी ने फोर्स कर दी है, जो हम सोचते हैं प्रोफेशन को ग्रोथ करने में ऑब्स्ट्रक्शन है। आप बच्चों को देखो काम कितना करो, कोई पीछे नहीं हटते, कोई छोड़ के थोड़ा बात है, चाहे रात को मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने दो दिन लगातार नाइट भी चलती रहती थी, ऐसा कुछ तो ये थोड़ा अच्छा हमें लगता है, नहीं बेचारा तंग है, इसको कैसे हम हेल्प करें, ठीक कर सकते हैं, तो वही हमारी जो आपने कहा ना वही हमारी सेटिस्फेक्शन है। बट द टाइम यू कम बैक होम, पीजे में था चंडीगढ़ इंजीनियर जो भी है, पिक्चर में देखने जाते, टिकट लेने जाते थे, वो नेशनल लाइन लगी हुई है, वो मिल नहीं रहा था, सब कहते यार मैं पीजे से आया हूँ, अच्छा आपका वो हमें टिकट दे देते, और ट्रैफिक वाला अगर लाइट भी क्रॉस गलती कर ली वो फिर भी कहते थे पीजे से हो, एम्स से हो, चले जाओ, क्यों करते थे, एक रेवरेंस रिस्पेक्ट इन सोसाइटी को था कि लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं, थोड़ी बहुत ही बात है नहीं इनको हमें कुछ, ये जो रिस्पेक्ट थी हमारी प्रोफेशन की है उसी वजह से हम चलते हैं, पर ये कुछ गलत चीजें कुछ कुछ हरकतों की वजह से थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रही है। आई मीन ठीक है, आई विल से टू सम एक्सटेंट हमारी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है, हम लोगों को चाहिए था कि इससे परे रहते, चलो हर एक जगह पे अच्छे भी होते हैं खराब होते हैं, यू कैन नॉट से कोई भी प्रोफेशन इवन आप जो एक टेम्पल के पुजारी भी देख लो, जो आप कहते हो ये बिल्कुल डिटेस्ट है कुछ है, उसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो गलत काम करते होंगे, तो उसमें मंदिर का कसूर थोड़े है, तो ये थोड़ा सा है, बट दिस प्रोफेशन नीड्स ड्यू रिस्पेक्ट एंड कंट्री नीड्स गुड डॉक्टर्स, नो कंट्री नो सोसाइटी कैन अफोर्ड टू हैव मेडियोकर डॉक्टर्स, दे आर लुकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग योर हेल्थ, दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर मशीन्स के चलो को थोड़ा आप टाइमली अगर कोई चीज नहीं हो इंसान कैन गेटिंग सीरियस इश्यूज, सो यू नीड गुड पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट, सो नो सोसाइटी कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, रादर गुड कहते हैं गुड टू हैव नो डॉक्टर देन ए बैड डॉक्टर, तो ये थोड़ा चीज है, सॉरी आई गेट इमोशनल इशू, बट ये प्रोफेशन की बहुत है, मतलब ये प्रोफेशन जो है ये डिफरेंट देन अदर, टीचिंग इज आल्सो, आई रिस्पेक्ट टीचिंग आल्सो, दैट इज आल्सो सेम, उसको भी मिस कर दिया इन्होंने, ये दो प्रोफेशन है जिसके हाथ के नीचे से हर सोसाइटी का मेंबर जाता है, नेशन तो ही बिल्ड होती है, वो कहां से होती है, जो ये टीचिंग और मेडिकल, हम लोगों ने जब स्कूल में आपके टाइम तो देखो हमारे टाइम तो बहुत डिफरेंट था, स्कूल के टीचर हम तो गांव में थे, वो हमें घर बुला के पढ़ाते थे, जब बच्चे बच्चे होते थे उनको घर बुलाते थे संडे को, तो जब मैं एम्स में था बच्चे ग्रो कर रहे थे तो किसी ने कहा अभी नहीं अभी इनकी ट्यूशन रखा दो सब्जेक्ट, यार ट्यूशन तो कहते थे उन बच्चों की रखाते हैं जो पढ़ते नहीं है, फिर क्यों मतलब हमारे कल्चर में ये था नहीं ट्यूशन क्यों रखनी है, तो अभी तो ट्रेंड बन गया, अब तो है कि ना ट्रेंड क्या है, स्कूल में पढ़ाया नहीं तो बच्चा क्या करेगा, व्हेन दे डोंट टीच दे एनकरेज इट कि यहाँ ना पढ़ाओ आप ट्यूशन रखो तो तब करो, तो ये इश्यूज हैं, तो एनीवे We have adopted a profession. We must live to the profession. Profession क्या है भी हमने आप हमारे हम आपने अपनी तरफ से पूरा मेहनत करी है to justify to your profession. White coat डाल दिया तो जवाबदारी ले ली.
देखो ये होना चाहिए क्वेश्चन इज कि हमने अपने आप अडॉप्ट किया है या छोड़ दो हाँ किसी ने जबरदस्ती नहीं तो कोई कुछ और कर लो बहुत काम है जहाँ पैसे मिल जाएंगे आपने अडॉप्ट किया ये प्रोफेशन में जब आप आ जाते हो ये आपका यू आर कमिंग फॉर ए दैट यू हैव लुक एट द सोल ऑफ द प्रोफेशन तो यही है कि आप किसी का कितना प्रॉपर फायदा कर सकते किसी को कैसे आप ठीक है यू नीड मनी वो भी चाहिए थोड़ा देना चाहिए वो भी बट हमारे एक बार आ गए वो तो हमारा धर्म है रस ठीक है वो धर्म जो है वो धर्म है उसको छोड़ने नहीं छोड़ना चाहिए मतलब ये हाँ ये है कि उसमें ही मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोगों ने थोड़ा सा जो आपकी जनरेशन के लिए हमने वो डिफिकल्टी क्रिएट कर दी है विच वी शुड हैव टेकन केयर मैं मेरे को यही सच्ची बात है ये पेन होता है नहीं नहीं सर ये से नहीं साथ में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई तो ठीक है बस वो सफेद कपड़े के ऊपर काला दाग लग गया तो ऐसे हो जाता है कभी मैंने किया मेरे गाइड मेरे को घर पर लाके गाइड भी करता था चाय भी पिलाता था खाने का टाइम खाना भी खिला देता ऐसा होता था तो मैं मेडिकल काउंसिल में था एक लड़का आया मेरे पास कॉल से कहते सर मेरा गाइड जो है वो कह रहा है कि इसके अंदर कुछ भी लेकर आके लाओ तब साइन करूंगा I tell you, I was shocked. जब मेरे को अपने दिन याद आ गए यार क्या था अब कहाँ जा रहे हैं तो इस तरह के कुछ लोग हैं गलत बट वो कमी होते हैं ज्यादा लोग अच्छे होते हैं मेरे देख रहा हूँ ठीक है वो नजर नहीं आते अच्छे लोग ज्यादा बोलते नहीं वो नजर नहीं आते जो खराब होते हैं नजर आते हैं दूध वाले और शराब वाले की बात है दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है शराब वाले के अड्डे पे सब लोग जाते हैं लाइन लगी हुई है पता नहीं क्या कोविड में सबसे पहले आप देखे होंगे देखो अभी क्या इनको समझाओ सच्ची बात है ठीक है सोशल ड्रिंक नो डाउट मोस्ट पीपल टेक इज डिफरेंट इशू आप इस चीज को ये देखो कितना सोसाइटी को हार्म कर रहे अब जैसे कट ऑफ एज फॉर 21 देन मीन व्हिच स्टेट इज ट्राइंग टू फॉलो इट आपने करी हुई है बाहर कहीं चला जाए कोई बच्चा अगर 21 से पहले पहले जो उनकी एज कट ऑफ है वहां की एज विल बी इनटू प्रॉब्लम अपने है कुछ क्या पैसे कमा रहे हैं आपने भी इतना रेवेन्यू आता है स्टेट को उस स्टेट को रेवेन्यू कोई और तरीका ढूंढ लो बट डोंट गेट इनटू और रेवेन्यू तो टाइम बिंग उनको काम चला लेंगे एक साल के लिए लेकिन ये जनरेशन बिगड़ गई तो अगले 100 साल खराब हो जाएंगे पंजाब में क्या हो रहा है ड्रग्स का ज्यादा जो बाकी स्टेट में भी है बट वहां पहले शराब मिलती है फिर उसमें चले जाते हैं क्या नहीं नहीं बट आई थिंक यू हैव टू फाइट फॉर इट आई मीन हमारा ये है कि ठीक है जो हमारे बच्चे जो हमारे साथी कुछ इधर है उनको भी साथ लेके चला ये तो जरूरी है अरे रिच कल्चर ऑफ नेशन जो हमारा कल्चर है वो कहीं बाहर नजर नहीं आएगा वो कहीं नहीं आएगा कहीं नजर नहीं आएगा आप अपने घर पे अपने छोटे भाई की भी बड़ी करोगे छोटी बहन की भी बड़ी करोगे ये भी कहोगे नहीं मैं क्या कर सकता हूँ ये उनको पढ़ा दूं या कुछ ये आपके अंदर से आता है ये नहीं है कि कोई बट बिकॉज यू फील कि हमें मेरी ड्यूटी है ये बाहर कोई नहीं सिखाता ये बाहर तो 18 साल का होते ही हाँ बाहर तो कहते हैं वो भी महसूस करते हैं फेलोशिप में था मैंने थोड़ा सा बड़े अजीब से टॉपिक शुरू कर लिया है मैं स्वीडन में था फॉर फेलोशिप तो मेरा बॉस था डॉक्टर बलास्कर उसकी वाइफ ने कहा एक डॉक्टर मार तो आपके घर पे मतलब शादी के बाद भी इकट्ठे रहते हैं बिकॉज़ आई टोल्ड माय वाइफ हैड नॉट कम सो वी आर स्टिल देयर दे विल जॉइन सम टाइम मैडम सही है सब चलता है तो अच्छा देखो मेरी लड़की है वो 18 साल की हो गई है और मेरे को उसके लिए अपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा हमारे पास इतना बड़ा घर है नहीं वो लोग महसूस करते हैं बट अब उनका ट्रेंड ही वैसा है तो देखो कुछ गलत है ना देखो वो चले गए उस तरफ They are not large number of those people get into psychiatric issues. अब उनकी जो है मैं हम लोग जब बाहर थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता है देखते हैं जो अपने कल्चर में ये है कि आपका फादर है मदर है कोई तीन जनरेशन चार जनरेशन साथ में आपका चाचा है ताया है उसका बच्चा कोई तंग हो रहा है तो आपको उसको हेल्प करना है उसका ये कल्चर जो है ये अच्छा है ये खराब नहीं है दिस कल्चर गिव्स यू स्ट्रेंथ ठीक है keeps you human human as well as you see support कितनी होती है कोई आदमी बीमार हो जाए at least
रिश्तेदार आके बात तो करते हैं, थोड़ा सपोर्ट मिलती है। तो पूछने वाला कोई नहीं हॉस्पिटल में आके नहीं। हाँ, कोई फूल दे के छोड़ जाता है, वो फूल में क्या है मतलब। दिस इज नो, आई एम श्योर दिस इज आर बी फ्रेंकली बाय गॉड ग्रेस इंडियंस हैव अ वेरी रिच कल्चर। आवर एंसेस्टर्स हैव डन, दे हैव डन विद थॉट्स और विचार करके इस परंपरा को रखा है। तो हम जो अभी डेवलप हो रही है, हम तो अभी साइंस की बात कर रहे हैं, जो उन लोगों ने चीजें करी है ना कल्चर में डाल दी है, उनकी साइंटिफिक वैल्यू है डॉक्टर। आप फास्टिंग कर ले लो, ये नहीं है कि 2018 में उनको पता चला आज कर रहे हो शिव जी खुश हो जाएंगे, आज कर रहे हो तो राम जी खुश हो जाएंगे, व्रत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इसके भी साइंस है जट आई थिंक आप हम करते रहते हैं जी। आप जो नहीं खाना मे बी बॉडी डजंट नीड दैट, गिव्स यू टाइम बॉडी टू रिकवर। ये उन्होंने तो डाल दी वैसी दवाई, तभी बता दिया, चॉइस नहीं दिया, परंपरा में डाल दिया। अब चॉइस आप कितने को एक्सप्लेन करते रहोगे। तो ये दैट वाज वन गुड थिंग। अब ये अभी सो ये बहुत लोग सब आई मीन वी हैव अ वेरी रिच ट्रेडिशन कल्चर, रिच वी हैव गॉट अनफॉर्चूनेटली ठीक है, वी हैव बीन slaves for a long time, it has affected our nation, but still this is continuing because it is because the of that strength, wohi jo strength hai wohi leke ja rahi hai aage. Aur mere khayal hai jitna secularism apne routine mein hai jitna udhar kahin nahi hai, kahin nahi hai. To hum to aap koi bhi ho kahan ka bhi ho kuch ho, aap bother nahi karte kya hai when it comes to that kind of thing. So yeah, but let us about leaving aside kisi tarah कई बार आई एम श्योर आपके जो कुली यंगस्टर्स हैं और बच्चे की इतने सब वाइज नहीं होते, बच्चे सब इतने मींस के नहीं होते, किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है, कोई बेचारा किस घर से आया है कोई किस घर से आया है। पर एक बार जो आ गया ना, यू शुड ट्राई टू सी हाउ वी कैन डू बेटर एंड मोटिवेट देम ऑल्सो एंड टेक केयर ऑफ देयर इश्यूज ऑल्सो टू स्ट्रेंथन देयर माइंड। ये चीजें थोड़ा हमें आपको एज ए कम्युनिटी कैसे आप करो, कैसे कॉलेजेस के बच्चों को ये हमें थोड़ा ठीक है। कमर्शियलाइजेशन इज नॉट कंपैटिबल विद मेडिसिन। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट प्रैक्टिस माड़ी है, ये लोग भी तो प्राइवेट ही कर रहे हैं तो कितना ह्यूज काम कर रहे हैं। क्या उनके पास खाने नौकर नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो सोचने की बात है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा जो जब ज्यादा लोग ठीक होंगे जो खराब ही होते हैं मेरे आ जाते हैं वो समझ आते हैं। तो मेडिसिन को तो अब चलो गुड, द मोर यू टॉक द मोर लेस इट इज, लेट अस नाउ। ये बात है कि अभी जो आपने सारी हमको बात कही तो इसको हम एक फॉर्मूला में अगर डालें तो हम इसको ऐसे डालें कि हमारे पास जो कल्चर रहा है उसमें जो प्रैक्टिसेस रही है वो बहुत बैकग्राउंड की है, साइंटिफिक बैकग्राउंड की है, शायद हम उन सबको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। कि जैसे अभी फास्टिंग का तो 2018 में नोबेल प्राइज मिला तब वो हाईलाइट हो गया, बट ये चीज हमारे पास 100,000 ईयर्स से प्रैक्टिस में हो रही है। और वो हमारे पास जो मतलब जो हमारी रियल स्ट्रेंथ है कि ये जो मॉरलिटीज है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, या ये एथिक्स और एजुकेशन जो घर से मिलता है, वो चीज दुनिया में कहीं नहीं है। तो उसको हमने कहीं मतलब अपने लाइफ में उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसको छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और जो भी थोड़ा जो हम पढ़े जा रहे हैं वी नीड टू सी कंपाइल दिस इज अ वैल्यू, ये गलत नहीं है, इसकी बहुत वैल्यू है। इसको फॉलो करने से मतलब आप सोचो कि हिस्ट्री बनी है, बाहर जो देख रहे हैं जी फलाना अपने आराम से जाओ सुबह जाओ जो भी है वो नहीं है। ह्यूमन बींग के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दिस काइंड ऑफ कल्चर जो भी हम सीखे। और बाकी जो कहते हैं ना सेक्रीफाइस फॉर अदर्स, ये जो है कि रिश्तेदार है तुम्हारा ये सेक्रीफाइस है फॉर अदर्स, अपने रोटी से भी यार उसके बाद नहीं यार उसके बच्चे का नहीं और क्या करें वो बेचारे पास तो मीन्स नहीं है, किसी के फिलहाल अनफॉर्चुनेट अभी उसका लड़का है पढ़ रहा है कैसे होगा कुछ भी करके लोग सपोर्ट करते हैं। नहीं नहीं मैं इसको पैसे दे दूंगा मैं इसका ये कर दूंगा, वो कोई मतलब फेवर नहीं है, हमारी मॉरल ड्यूटी ये आपके अपने के लिए मतलब देखो ये हमें सिखाया गया है ये करना जरूरी है। दिस आई थिंक इज मोर लाइक स्पिरिचुअल हैबिट्स दैट आप किसी का बुरा भी ना सोचो, जितनी जिसकी हेल्प हो सकती है ये चीजें हैं। बट ठीक है प्रोफेशन आई ऑलवेज सीन मेडिकल प्रोफेशन एज क्रॉस रोड बिकॉज एट क्रॉस रोड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स
बट वंस वी हैव कमिटेड हमारी जनरेशन की ड्यूटी थी कि आप लोग किया है सर ऐसे आप रिपेंट बहुत कुछ हमने थोड़ा आपके लोगों के लिए दिक्कत करी है हमने कोई ज्यादा आपको बहुत नहीं देखो जैसे हम टाइम अट्रैक्शन था प्रोफेशन में अब इतना नहीं है क्यों नहीं हमें मनी सेंट्रिक होने की वजह से थोड़ी चीज है तो हमें सुना गई था कि आपने लोग थोड़ा जाए कुछ पॉलिसी मेकर्स को वी आर नॉट बीइंग एबल टू कन्विंस कि इस प्रोफेशन को थोड़ा रेम्यूनरेशन की तरफ भी सोचो ये ना सोचो क्लब कर दो ये दो प्रोफेशन टीचिंग भी मैं तो मानता हूँ उसका भी जो वो भी धर्म है एक तरह का अच्छे टीचर होना भी आप लोग भी देखो आपका टीचर अच्छा रहा होगा तो आप सारी उम्र उसको याद करोगे चलो एनीवे थैंक यू सो मच सर